सबके प्रणाम करत अनी। और कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण हमके काफ़ी लेट भइल लाइव अइले में। अब शुरुआत करत अनी, अब चूँकि चैता का समय तो निकल गइल, कोरोना के भेंट चढ़ गइल, तो एगो अब्दुल रहमान गेहुआ सारी जी के एगो चैता बा, तो वही चैता से हम शुरू करब, ओकरे बाद अपने विषय पे आए। सेनुरा का भाव चढ़ल बा हे बाबा, माहुर मांगा द सेनुरा का भाव चढ़ल बा हे बाबा, माहुर मंगा द डोलिया का दाम बढ़ल बा हे बाबा, माहुर मंगा द सेनुरा बदे जानी कर जा चढ़ाव, सेनुरा बदे जानी कर जा चढ़ाव, सेनुरा बदे जानी घर बेचवाव, जिंदगी का भाव घटल बा ए बाबा, माहुर मंगाए द जिंदगी का भाव घटल बा ए बाबा, माहुर मंगाए द सेनुरा का भाव चढ़ल बा ए बाबा, माहुर मंगाए द कजराली कर जाली आई भरा न पाई, कर जाली आई भरा न पाई, मुरहवा से जादे सूद चढ़ी जाए, फिकिरा के माई मरल बा ए बाबा, माहुर मंगाए द फिकिरा के माई मरल बा ए बाबा, माहुर मंगाए द सेनुरा के भाव चढ़ल बा ए बाबा, माहुर मंगाए द मोल भाव बीन के हो ना बोली, मोल भाव बिन के हो बोली नाही, के हो कही मोटर के हो गाड़ी चाहे, के हो कही मोटर के हो के टीवी चाहे, दुल्हा बिकाऊ भइल बा ए बाबा, माहुर मंगाए द दुल्हा बिकाऊ भइल बा ए बाबा, माहुर मंगाए द सेनुरा के भाव चढ़ल बा ए बाबा, माहुर मंगाए द चगड़ कहे हमके कुछ होना चाहे, चगड़ कहे हमके कुछ होना चाहे, कुछ कम मिली ता बिटिया के दाहे, कुछ कम मिली ता बिटिया के दाहे, जे ना पढ़ल उकढ़ल बाए बाबा, माहुर मंगाए द जे ना पढ़ल उकढ़ल बाए बाबा, माहुर मंगाए द सेनुरा के भाव चढ़ल बाए बाबा, माहुर मंगाए द
डोलिया बना दा, डोलिया चढ़ाए दा, डोलिया बनाए दा, डोलिया चढ़ाए दा। हंसे हंसे बिटिया के, हंसे हंसे बिटिया के, हंसे हंसे बिटिया के, घाट लगाए दा। हरियर बांस हसल बाए बाबा, माहुर मंगाए दा। हरिहर बांस हसल बाए बाबा, माहुर मंगाए दा। सेनुरा के भाव चढ़ल बाए बाबा, माहुर मंगाए दा। जितना लोग भी जुड़ रहल बा हमसे लाइव में, सबके सबके प्रणाम करतनी। आदित्य प्रकाश अनोखा, अमन सोनी पांडे जी, अनिमेश भैया, राजीव भैया, निराला भैया, सबके गोड़ लगातनी और सबके आशीर्वाद यही तरह हमके मिलत रहे। और आज जौने विषय पे हमके बात करे के बाटे, वो विषय है फेमिनिज्म, भोजपुरिया समाज में नारीवाद। आज 21वीं सदी के समय चल रहल बा, 21वीं सदी में हमनी के नारीवाद के ऐसन का जरूरत आन पड़ल बाटे कि हमने के नारीवाद पे चर्चा करे के पड़ा था। आखिर कुछ तक कहीं तक कमी बाटे कि आज 21वीं सदी में जहाँ हम ये बात करें नहीं कि आज हमने महिला वर्ग के खूब आगे बढ़तनी के, खूब काम करतनी के, हर क्षेत्र में आगे बने के, लेकिन आखिर ये फेमिनिज्म शब्द जोन बाटे, नारीवाद, एकर जरूरत चर्चा के विषय करे खातिर काहें पड़ल। तो कुछ इतिहास भी बाटे आ कुछ वर्तमान के भी स्थिति बाटे, तो बहुत कुछ ए बीच भइल हुई जेकरे खातिर आज बहुत जरूरी हो गेल बाटे चर्चा के विषय बनावे खातिर कि भोजपुरिया समाज में नारीवाद की का स्थिति बा। तो अगर हम 19वीं सदी के बात करी तो 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय के जौन योगदान रहल वो हमनी के कब्बो भुला ना सके ने। आ राजा राम मोहन राय के जौन योगदान रहल वो 1829 में सती प्रथा के सती प्रथा खत्म भइल। आ वो केकरे नेतृत्व में भइल, लॉर्ड विलियम बेंटिक रहना वो टाइम, उनके नेतृत्व में राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये प्रथा खत्म भइल। ओकरे बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ले ली, इन्हों का बहुत बड़ा योगदान बाटे। एकरे बाद कुछ नाम बाटे हमने के, सावित्री बाई फूले, गीता बाई देशमुख, अनगिनत नाम बा जे लोगन ने जौन हमनी के उंगली पे ना गिन सके नहीं कि वो लोगन का कितना योगदान रहल बा नारी के समान अधिकार दिलावे में, उनके आगे बढ़ले के बढ़ावा देने में। ता इनका जौन आंदोलन रहल ह, ई लोग जौन तरह से लोग के बीच में रह के काम कैल है, का अबहू ऐसा आंदोलन होता? आ हम का बताए, रउआ सबके सब पता बा कि स्थिति का बाटे। अब 21वीं सदी के लड़की हम हई, चंदन दीदी भी हई, 21वीं सदी के लोक गायिका हई, बहुत आकृति देखत बाड़ी। हमने के 21वीं सदी के जितना महिला लोग बाटे तो हमके लगा था कि इमें कई तरह के
एंटरटेनमेंट के साधन बाटे, एगो बॉलीवुड बाटे, एगो हॉलीवुड बाटे, एगो भोजीवुड भी बाटे। तो अब देखें, लोग बॉलीवुड के बात करेला, ठीक। अब 21वीं सदी में अगर हम आपके बहुत ढेर पीछे ना ले जाए, 2014 के पहले, 2014 के पहले आप सोचें कि हमने के एगो सीने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रहल लोग, हेयर ड्रेसर के एगो एसोसिएशन बाटे, सीने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एंड हेयर ड्रेसर एसोसिएशन बाटे, उनमें महिला आपन रजिस्ट्रेशन ना करा सकत रहल लोग 2014 के पहले। हम कोनो बहुत पीछे ना जाके बात करत नहीं, हम 2014 के जस्ट पहले के बात करत नहीं। 2015 में सबसे पहले जिनका नाम आवेला वो है चारू खुराना। चारू खुराना वो पहला महिला भैली 2015 में जॉन मेकअप आर्टिस्ट भैली। अब आप सोची कि ओ टाइम सुप्रीम कोर्ट कहलस कि जब 2014 के पहले ले ए कौनो उनमें महिला के रजिस्ट्रेशन ना हो पावत रहला, तो उस समय ओकरे बाद से सुप्रीम कोर्ट ही कहलस कि ये सरासर जौन हमनी के आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और 21 है, ओकर सरासर उल्लंघन बा। तो आप सोचें कि बॉलीवुड में तो बहुत बात होला, हमेशा हमें लगेला सबसे ज़्यादा बात बॉलीवुड में उठेला फेमिनिज्म के, लेकिन ओकर ही स्थिति रहल 21वीं सदी में। तो देखें, बात ही बटे कि बहुत बार हमनी के गलत फहमी होला कि फेमिनिज्म का है। इहे कुल रीज़न बाटे कि आज हर जगह विषय पे चर्चा होला, कई सारा मूवमेंट चलेला। तो अब देखें कि ए समय में आखिर फेमिनिज्म के सिद्धांत का है। फेमिनिज्म का मात्र इतना मतलब एक लाइन में समझे के ज़रूरत बाटे कि स्त्री या पुरुष में कौनो भेदभाव ना ही होके के चाहें। स्त्री पुरुष में कौनो भेदभाव ना ही होके के चाहे, मात्र इतना मतलब बाटे। बहुत सारा कानून बनल बाटे, बहुत कानून बनल बाटे जौना में ई बतावल गेल बाटे, जैसे कि अब आप सबसे बड़ा उदाहरण अबेन हालिए में आर्मी में बहुत सारा ऐसन जगह बाटे जहाँ पे महिला के खातिर परमानेंट स्थान कोनो नहीं खे बनल। अबे हाल ही में आर्मी में, वायुसेना और तमाम तरह में, तमाम जगह पे तमाम ऐसन क्षेत्र बाटे जहाँ महिला खातिर परमानेंट जगह सुनिश्चित कइल गेल बाटे। तो संविधान बनौले से का महिला के समान अधिकार मिलता आ ओकर निर्वहन हो पावता का? हम एहर उहर के बात काहे करी? हमनी के जब आप लोग कहब कि 2008 के बाद राइट टू एजुकेशन भइला के बाद से खूब बहनी लोगन के शिक्षा में खूब इजाफा भइल बटे, लेकिन इहो देखे के पड़ी कि गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट परसेंट कितना रहला।
अब आप देखें कि अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के तहत 39.4% गर्ल्स जो कि 15-18 उम्र के आसपास के बाटे लोग वो लोग बीचे में स्कूल छोड़ देला। अब बाकी बचल लोग में भी बहुत लोग ऐसन बा जो जे लोगन के अपने घर के ही लोगन द्वारा दबाव दिया जाला कि वो घर के काम संभाले। तब संविधान बनौले से ओकर निर्वाहन हुई ये जरूरी नहीं है। अब आप देखें कि संविधान में बहुत बढ़ा ने एगो उदाहरण बाटे कि हमनी के जौन संविधान के जौन 73वां और 74वां जौन संशोधन भइल ओमें पावर के डिसेंट्रलाइज कइल गइल। आ पावर के डिसेंट्रलाइज करे खातिर पंचायती राज के गठन भइल। अब पंचायती राज के गठन भइल आ ओमें 33% आरक्षण महिला के दे दियल गइल। अब आप सोचें कि तक्का जमीनी स्तर पर ई सरपंच जन लोग सरपंच होला कितना परसेंट महिलाओं में सरपंच के काम निभाव तड़ी का वाकई में सरपंच के काम महिला द्वारा कइल जाता का एक जमीनी स्तर पे कोनो काम हो रहल बा। अच्छा तो ये बताएं कि अगर 33% आरक्षण दे देले से अगर सब महिला लोग सरपंच बन जाए तो ये सरपंच पति शब्द कहाँ से आ गए? इस सरपंच पति वाला टर्म कहाँ से आए? एकर तो कोनो सवाल नहीं थे पैदा होके के चाहिए। लेकिन चूंकि भारत पुरुष प्रधान देश बा एजा पुरुषवाद इतना हावी बाटे कि हर जगह नारी अपेक्षित बाड़ी। तो आंदोलन बहुत भइल बा। बहुत साल पहले भी भिखारी ठाकुर इतना बड़न उदाहरण बानी हमनी खातिर। भिखारी ठाकुर के विदेशिया में कहल गइल बाटे कि एगो विदेशिया की कहानी हमके लगत है में से 70% लोग जानत हुई जितना लोग भी देख रहल बाटे। तो एक बार संक्षिप्त में हम कहानी बताओ तनी कि विदेशिया की कहानी बटे कि एगो स्त्री पुरुष के विवाह होता कम उम्र में चूँकि विवाह होत रहल ओकरे बाद से कुछ ही दिन में पति जन बाटे पूरब की ओर चल जाए कमाए खातिर। आ चूँकि स्त्री के उम्र बहुत कम रहत रहल तो अब वो स्त्री घर ही रह जाए। अब वो स्त्री के जौन जौन चीज़ झेले के पड़े एक तो एकदम बाल वधु बालिका वधु रहत रहल आ घर के प्रताड़ना घर में शोषण आ ओकरे बाद से वो कमाए चल गईल ना उनका ओजा अलग संबंध बन गए के दूसर औरत से। तो भिखारी ठाकुर बहुत सारा रचना बाटे जिनमें जौना में स्त्री दुर्दशा स्त्री के अधिकार के बाद कितना 100 साल पहले कितना साल पहले वो कह के चल गईलन। लेकिन ये लोग क्रांतिकारी लोग रहल ये लोग मास लेवल पर काम कैला। भिखारी ठाकुर दिल्ली में बैठ के आ मुंबई में बैठ के विदेशिया ना लिखलन। अगर उनके विदेशिया भाई विरोध आ गबर घिचोर अगर वो लिख पैना तब उनके गांव में रहत रहना तब लिख पैना
मुंबई दिल्ली में रह के नहीं लिख पाई हैं। तो बात मुंबई दिल्ली से कहले कही है कि मुंबई दिल्ली में बैठ के आ कानून बना देवे से ओकर निर्माण ना हुए, ओकर मास लेवल पे जाके इम्प्लीमेंटेशन करे के पड़े। अब देखें कि हमरे आसपास के बहुत लड़की लोग बाटे, तमाम लड़की लोग बाटे, जब हमार बातचीत होला वो लोगन से जिनका ब्याह हो गए बाटे, तो वो लोगन के बातचीत में कई उनका कई सारा दुख रहेला। तो सबके हमके लगा था जितना लोग के ब्याह भइल बा सब महिला के कुछ ना कुछ दिक्कत होला, लेकिन हमार जो पर्सनल एक्सपीरियंस बाटे जितना लोगन से हम बतियोले मानी, वो लोगन के ये दिक्कत नहीं थे कि उनके हई नहीं मिलता, हौ नहीं मिलता, उनके जगह घूमे के नहीं खे मिला, तो जे उनके ये खाए के नहीं खे मिलत, ये कुल दिक्कत नहीं थे उनके। आजकल के स्त्री के सबसे बड़ा दिक्कत बाटे उन्हीं के घर में उनके बात सुनने वाला क्यों नहीं थे। सबसे जरूरी चीज ये बाटे कि स्त्री के बात सुनने वाला ये समाज में, भोजपुरिया समाज में क्यों नहीं थे। राहुल संकृत्यायन जी के भी एगो रचना बाटे जोना में दुरंगिया नीति के बात होता, तो बहुत साल पहले कुल भइल बाटे, लिखे वाला लोग लिखले बाटे, और हमनी के 19वीं शताब्दी में इतना महापुरुष लोग, इतना क्रांतिकारी लोग रहल जोन फेमिनिस्ट मूवमेंट कैले बाटे लोग। लेकिन अब आप अभिन के बात देखी, अभिनों बहुत मूवमेंट चला था, हम केहू के नाम नहीं लिहल चाह, अभिनो बहुत मूवमेंट चला था, लेकिन का वो क्रांतिकारी रूप में मूवमेंट बाटे, वो मास लेवल पे मूवमेंट चलावल जात बाटे, आ का वो मूवमेंट के परिणाम सही निकला था। कई बार ऐसनो भइल बाटे कि बहुत बार फेमिनिस्ट मूवमेंट के सही रूप से निर्वहन का इहो एगो कारण रहल बाटे कि कई बार फेमिनिस्ट मूवमेंट जोन बाटे वो पुरुष विरोधी हो जाला, अपने जगह से भटक जाला। तो देखें, पहले तो फेमिनिज्म के माने ई हा कि स्त्री या पुरुष में कोनो भेदभाव ना रहे। आ भेदभाव ना रहे तो जब भेदभाव ना रही तो इक्वालिटी की तो बातें नहीं आई। इक्वालिटी के कोनो सवाल ना आए। अब देखें कि अगर हमने के गांधी जी के बात कर जाए, ठीक बा, तो गांधी जी के कितना आंदोलन रहल, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, आ चंपारण सत्याग्रह ओकरे बाद गांधी जी के चंपारण सत्या तीन सत्याग्रह का हम नाम लेल चाहब जोना में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक रहल, हड़ताल रहल, आ एगो केड़ा सत्याग्रह रहल। तो गांधी जी दिल्ली या मुंबई में बैठ के कोनो सत्याग्रह ना कहने, उनका सत्याग्रह भोजपुर में भइल, आ भोजपुर के जनता के बीच में भइल, काहे कि उनके पता रहल कि समाज में का दिक्कत बाटे। अब चंपारण सत्याग्रह के सफल भइले का रीजन ई रहल कि गांधी जी का मूवमेंट कोनो उनका मूवमेंट ना रहल, वो मास मूवमेंट रहल, वो लोक का मूवमेंट रहल। तो वो लोक के बीच में जो हमनी के लोक लोक करे नहीं, तो काम लोक के बीच में करे के पड़ी,
तो गांधी जी लोग के बीच में काम कैलन, उनका दिक्कत समझलन, उनके बीच में आंदोलन कैलन, तो सबके ही लागल कि वो गांधी जी के समस्या नहीं थे, वो उन्हीं के समस्या बाटे, तो सब लोग मिलजुल के हिस्सा ले और वो आंदोलन के रूप ले ले और सफल हो जाए। अब देखें कि आज बॉलीवुड में खूब आवाज उठाता, आ सही मायना में उनकर आवाज ओ लोगन तक पहुंचता जौना लोग खातिर वो आवाज उठावल गेल बाटे। जवाब दें आप सब कि ओ लोगन का आवाज ओ लोगन तक पहुंचल जरूरी बाटे कि नहीं, कि जौना लोग खातिर वो फेमिनिस्ट मूवमेंट होता चाहे वो बात चलत, लेकिन वो सही जगह ले पहुंच में ना करेला। वो भोजपुरिया समाज जो लोक हमने के जोन लोक के समाज बाटे, जोन गांव देहात के समाज बाटे, एकदम जोन जहाँ पे इक्वल मूवमेंट, जहाँ स्त्री के अखबार पढ़े के समय नहीं थे, अखबारे नहीं थे आवत लोगन के पास, अब बताएं कि आर्टिकल 14 में भी लिखल बा कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो जब डिस्क्रिमिनेशन ना रही तो इक्वालिटी की बात कहां से आई? अब आप देखें अगर वर्ल्ड बैंक के अगर हम आपके वर्ल्ड बैंक का कहलस कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर जितना अनुपात में पुरुष के कंट्रीब्यूशन हमनी के इकोनॉमी में बाटे, अगर उतने परसेंट कंट्रीब्यूशन अगर महिला वर्ग के भी हो जाए तब हमनी के देश 3 गुना वृद्धि से 3 गुना तेजी से वृद्धि करें। लेकिन ऐसन बाटे का कितना लोग के कितना परसेंट भागीदारी महिला के बाटे, कितना परसेंट? अब वर्ल्ड बैंक के बात छोड़ दें, हम वर्ल्ड बैंक के भी बात नहीं की करत, आप सीधा आ जाएं हमनी के श्लोक बटे गो, सबके वो श्लोक पता हुए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रता फलाक्रिया। एकर साफ मतलब बाटे कि जहाँ देवी के पूजा होला वहीं देवता निवास करे ने, और जहाँ देवी के जहाँ स्त्री के पूजा ना हुए वहाँ सब काम बेकार बा। स्त्री शब्द सीधा सीधा लोक से जुड़ल बा, लोक आई सृष्टि का कौनो अस्तित्व नहीं थे अगर स्त्री शब्द ना होए। ई जरूरत बाटे फेमिनिज्म के जरूरत यही खातिर बाटे। आई देखें इहो एगो बात कहल गई बाटे कि स्त्री या पुरुष हमेशा एक दूसरे के पूरक अगर माने तो उनका जीवन का पहिया एकदम बढ़िया चली। स्त्री पुरुष हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे के चाहिए। अब इन का हो गेल बटे कि अब ब्याह होता तो लड़का के माई ई कहतड़ी कि उनके अपने बेटा जैसन लड़का चाहिए।
आ जब उनके अपने बेटा जैसन लड़का चाही तो ओही जा से स्त्री के मानसिक रूप से दबावल शुरू कर दिया जाला। तो ई कुल मानसिक बदलाव खातिर आपके आगे आवे के पड़ी। ई बहुत छोट छोट बात बाटे जौना के हमनी के बहुत इग्नोर करे नहीं अपन रोज रोज जौन डेली रोजमर्रा के जीवन में हमनी के ई कुल बात के इग्नोर करे नहीं। ई कुल जड़ है आज के फेमिनिस्ट मूवमेंट खातिर। कोनो जरूरत नहीं थे फेमिनिस्ट मूवमेंट के। अब देखें, अब सबसे बड़ा अभी अगर उदाहरण लिया जाओ कोविड 19, तो कोरोना काल चल रहा बटे, तो ये बताएं कि भारत के अगर कोविड 19 के ख़त्म करे के बटे तो भारत के कोविड 19 के जौन सिम्टम्स बा, सिम्टम्स पे अगर रिसर्च करे, सिम्टम्स पे मेहनत करे तो कोरोना ख़त्म ना ही हुए, कोविड 19 ख़त्म ना हो जाए। लेकिन भारत अगर ओके जौन ओकर जड़ बाटे ऊपर रिसर्च करी तब कोविड 19 से हमनी के मुक्ति मिली। ओही तरह से जौन नारीवाद बाटे, जौन फेमिनिज्म बाटे, ओकरे खातिर लोक समाज में जाए के पड़ी, मास लेवल पे काम करे के पड़ी। ओ कानून बनौले कुछ ना हुए, यही तरह फिर सरपंच पति बनत रही लोग, आ पत्नी लोग घर के काम निपटाई लोग दिन भर, आ जब लोग घरे आए तब पूछी कि ये जी आज का भइल बाटे। अब देखें कि आज हर जगह न्यूज में दिखावल जात बा, हमनियों के पढ़ा तनी के हर जगह कि आज बाकी देश में आ भारत में जौन ये आपत्ति आयल बटे उनमें कितना अंतर बाटे। सब क्यों ये कहता कि भारत में अब इन गलीमत बाटे, बाकी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोग भी ये कहता कि भारत काफ़ी बढ़िया से हैंडल कैले बाटे। के अब देखें, सोचे वाला बात ई बाटे कि भारत के सामाजिक व्यवस्था ही ऐसन बाटे, भारत के सामाजिक व्यवस्था ऐसन बाटे कि हमनी के एक दूसरे से जुड़ल बानी के, मिलनसार स्वभाव वाला बानी के। आ गांव के देखें, गांव में एक गांव के आदमी पूरा गांव के पश्चिम टोला, पूरब टोला, उत्तर टोला, जितना टोला गांव में होला एक एक आदमी के नाम जाने ला। इहे एगो रीज़न बाटे जौना वजह से आज भारत में कोविड 19 खातिर मदद के हाथ बहुत आसानी से आगे आ रहा बा। हमके जब पता रही कि हमके केकर मदद करे के बाटे तब तो हम मदद कर पाए। ई उदाहरण हम ऐसे ना देतनी कि कोविड 19 भारत में कोविड 19 के ख़त्म करे खातिर भारत का रोल निभा रहा बाटे। ई उदाहरण जौन हम सबके सामने बाटे, ई उदाहरण हम ए बात खातिर देतनी कि बिल्कुल यही तरह से फेमिनिज्म भी सार्थक हुई जब हमके ई पता हुई कि फेमिनिस्ट मूवमेंट कहाँ चलावे के बाटे। दिल्ली मुंबई में चलावले से ना हुए, ओके गांव गांव जाके चलावे के पड़ी, तब जाके कहीं ई सफल हुई। अब देखें फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद हम भोजपुरिया समाज से जोड़त कई सारा पहलू रखनी। अब आप देखें कि जौन फेमिनिस्ट मूवमेंट चलता तो उनमें एगो बहुत बड़ा ई दिक्कत भी बाटे कहीं कहीं कि स्त्री लोग पुरुष के बराबरी के होड़ में ला गेल बाटे। तो हमार बात अब धीरे धीरे अब ख़त्म होता, तो हम एगो
एक एक कॉन्क्लूड करतनी अपन बात के कि हमनी के नारीवाद के बढ़ावा देवे के बाटे, हमनी के पुरुष के बराबरी के होड़ में नहीं खे लागे के, हमनी के पुरुष नहीं खे बने के। आजकल का होता, स्त्री लोग के पुरुष बने के बाटे, ये बहुत बड़न दिक्कत बा भाई। हमके काहे पुरुष बने के बाटे? अगर स्त्री अपन अस्तित्व खो बैठी, अगर स्त्री के मूल खत्म हो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाए आवे वाला समय में। रमा शंकर तिवारी जी कहत बानी कि पहले के अपेक्षा अभी भोजपुरी समाज में महिला के भागीदारी बहुत बढ़ल बा। ऐसा ना होए तो आज सभे के सामने अंकिता बेटी के ऐसा समझदारी वाला बात कैसे सुने के। प्रणाम करतनी आपके, बिल्कुल सही बात बा। हम बिल्कुल नहीं कि कहत कि पहले से स्थिति ना ही सुधरल बाटे, जरूर सुधरल बाटे, लेकिन कितना प्रतिशत? यशवंत भैया कहत बने कि भोजपुरी गीतन में नारीवाद पर भी चर्चा हो को। हाँ भैया बिल्कुल। अब देखें कि भोजपुरी गीतन में पहले स्त्री लोग कजरी गावत रहे, लोग झूला झूला झूलत पूरा ग्रुप रहला, वो लोगन का फगुओ गावत रहला लोग। आज के समय में 21वीं शताब्दी में काहे नहीं लोग बाहर निकले देता फगुआ गाय खातिर आ कजरी गाय खातिर? तो स्त्री के तो पूजा होला लोग गीतन में, तो स्त्री के पूजा होला। अब कौनो ऐसा लोग गीत नहीं खे जौना में स्त्री के भागीदारी नहीं खे। सुधीर रंजन जी कह रहल बने कि तका मर्द के गुलामे बने के रही, बन के रही। आपके बात हम ना समझ पौनी। मुन्ना भैया प्रणाम। देखें स्त्री के लोक जीवन में बहुत बढ़न योगदान बाटे। लोक में स्त्री के महत्व पर बहुत लेख बाटे, हम उपे चर्चा करे खातिर नहीं आयल बनी। आ लोक गीतन के शुरुआते भइल बाटे स्त्री से। हर लोकगीत में चाहे चैता होके, चैती होके, फगुआ होके, कजरी होके, सब में स्त्री लोग के भूमिका रहल बाटे। लेकिन आज के समाज में, तब के समाज में जौन स्थिति में परिवर्तन आयल बाटे, ओकरे खातिर हमनी के जिम्मेदार बने के। अबे नितिन नीरा चंद्रा जी के लाइव सेशन में हम सुनत रहनी कि वही बात कहत रहने कि हमके आज से शायद पाँच छः साल पहले हमके भोजपुरी ना बोल पावत रहनी, जब हम असलियत जननी तो हम भोजपुरी बोले लगनी। तो नितिन भैया के हम ये बतावल चाहतनी कि आज से एक साल पहले ले हमहू भोजपुरी ना बोल पावे, लेकिन एक साल में इतना कुछ जाने के मिलल, इतना लोग, इतना बढ़िया लोग के बीच में रहे के मिलल। आ बहुत कुछ पढ़ला के बाद, सच्चाई जनला के बाद से ये पता चलल कि माई भाषा ना रही, अपन मातृभाषा के अगर छोड़ दे तो फिर ये धरती पे आयल ही कहीं बाटे। स्त्री के योगदान बहुत जरूरी बाटे, एजुकेशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। हर क्षेत्र में स्त्री के योगदान के भागीदारी उतने होके के चाहिए जितना कि पुरुष के भागीदारी बाटे। ओकरे खातिर हमनी के मास लेवल पे काम करे के पड़े। आ उ मास लेवल के जौन काम बाटे ओकरे खातिर कोनो बहुत बड़न संगठन के जरूरत नहीं थे, वो काम अपने घर से शुरू हुए। तो छोट छोट ऐसा बहुत सारा बात बा, जैसे कि बहुत छोट छोट घर में कुछ कुछ ऐसा चीज़ होला जहाँ
नारीवाद के स्थिति उत्पन्न हो जाला। तो ई कुल पे हमनी के ध्यान दियल जाए तो शायद नारीवाद के काफ़ी बढ़ावा मिली, स्त्री लोग के भी उतना आगे बढ़ने का मौका मिली और हर कुल अधिकार और सारा अवसर के भागी बनी जितना के पुरुष बने। प्रणाम मनोज भैया। तो आज चर्चा में इतने बटे कि नारीवाद के दो पहलू रहल है जोना पे हम चर्चा करनी है। पहला पहलू ही रहल है कि नारीवाद के बढ़ावे खातिर ओकर विषय हमेशा सही होके के चाहिए। दूसर, नारीवाद मूवमेंट कब पुरुष के विरोध में ना होके के चाहिए। अजय भैया कहा था ने कि स्त्री के पुरुष बराबर ना, वो लोग हमेशा बेहतर होके ला लोग। पुरुष के का औकात जे एगो महिला के दर्जा तय करी जवन स्त्री और पुरुष के जन्म देले वाड़ी। बिल्कुल अजय भैया, बिल्कुल औकात की बात हम ना करें भैया, लेकिन स्त्री से ही तो सब बा, सृष्टि तो स्त्री से ही बा भैया। तो फिर आगे एक रे आगे कुछ बोलने का कोनो मतलब है नहीं के। तो हमके लगा था कि हमार बात अब समाप्त हो गई बा, मनोज भैया गीत भी सुनावे के बा। अच्छा भैया ठीक बा, तो अब हम एगो गीत से फिर अपन आज लाइव सेशन खत्म कर। हाँ भैया, बस एगो गीत के साथ हम समाप्त करब लाइव सेशन। एगो विदेशिया के तर्ज पे एगो रचना बाटे, आजकल जौन जितना कोरोना वॉरियर लोग बाटे वही लोगन के समर्पित बाटे ये गीत। तो एमे सीमोवा की जगह आप मान ली कि वह लोग के बात होता, डॉक्टर आज के पुलिस लोग सफाई कर्मचारी भइल आ जितना लोग भी आज एसेंशियल सर्विसेज में जौन काम कर रहल बा लोग वही लोगन के समर्पित एगो विदेशिया के तर्ज में एगो गीत से हम अपन बात के समाप्त करब। धड़के ला छतिया
धड़केला छतिया कुहु केला मनवा सिमवा पे ठाड़ बाड़े हमरो सुगनवा सिमवा पे ठाड़ बाड़े हमरो सुगनवा अइले चुएला पलानी धनवा के खोतवा में हहरे लपानी चली आई तसावन में हमरो परनवा सिमवा पे ठाड़ बाड़े हमरो सुगनवा गाँव में कन्हैया के जन्म न धाइल बिनु तोरा भादो कुछ ना बुझाइल देहिया जरा वेला बैरी कुंवरवा देहिया जरा वेला कातिक में नंदी के दिन वाधराइल गवना के साड़ी लेके लुगवा बाइल सिहिर सिहिर के बोलावे अगहनवा सिहिर सिहिर के बोलावे ललकी किरनिया बिया बउराइल ललकी किरनिया बिया बउराइल देहिया से जान लेके पिया लगे जाई लड़के परान चलल जैठ बैसखवा लेके परान चल जैठ बैसखवा सिमवा पे ठाड़ बाड़े हमरो सुगनवा धड़के सबके धन्यवाद। आदित्य प्रकाश अनोखा धनवा के लहुआ साठी के चौरवा। अच्छा ठीक बा, चार लाइन एहू के गुनगुना दे। धनवा का लहुआ रे साठी का चौरवा जोरी आगे भूजे फुआ हो धनवा के लहुआ रे साठी का चौरवा जोरी आगे भूजे फुआ हो जोरी आगे भूजे फुआ हो खनखन बाजे नौ की कनिया के हाथ कंगना हमरे रितिया के भावेला हमार अंगना हमरे रितिया के भावेला बननीर मोही फुआ अचिया लगई हाय अगिया के जानी छुए हो बननीर मोही फुआ अगिया लगई हम
तेरी रीतिया के भावेला हमार अंगना, हमरी रीतिया के भावेला हमार अंगना, हमरी रीतिया के भावेला। सबके बहुत धन्यवाद, हर्षित धन्यवाद। अब सबसे इजाज़त चाहतनी, आज के लाइव सेशन में बस इतना ही।